भक्त जो अपने आप को भक्त कहलवाना चाहते हैं या जो कहते हैं कि हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं, 4 घंटे पूजा करते हैं, वो लोग सुन ले। देखो, पूजा चाहे 4 घंटे करो चाहे 10 मिनट करो, इंपॉर्टेंट बात ये है, महत्व की बात ये है कि आपने कितने लगाव से सेवा की, ये महत्व की बात है। आपने कितनी देर करी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई महत्व नहीं है। महात्म्य आपने कितनी गहराई से मन से आपने सेवा करी, ये इंपॉर्टेंट बात, ये महत्व की बात है। तो भैया, जो अपने आप को भक्त कहलवाना चाहते हैं वो सुन ले कि जो सेवा करते, जो भगवान को मानते, जो सनातन पंथी है, जो रामकृष्ण को मानने वाले हैं, जो जप भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात है एक थर्मामीटर है, नाप लेना। भाई फीवर हो जाए, बुखार आ जाए तो डॉक्टर साहब सुभाष जी कहाँ गए? अच्छा, एक थर्मामीटर होता है सब, आप लगा के देखते हो सबको कितना बुखार है, ठीक है। तो सत्संग में आने वाले लोग, रामकृष्ण को मानने वाले लोग, पूजा करने वाले लोग, सेवा करने वाले लोग, मंदिरों में जाने वाले लोग, तीर्थ यात्राएं करने वाले लोग, उनके लिए थर्मामीटर है। थर्मामीटर क्या है? ये सब करने से सबसे पहले जीवन में विनम्रता आनी चाहिए। विनम्रता समझते हैं ना आप लोग? हा कि ना? विनम्रता मतलब आपका अहंकार कम होते रहना चाहिए। आप जितनी बार मंदिर में जाएं, जितनी बार अपने ठाकुर के सामने बैठे, जितनी बार आप जप करें, जितनी बार आप तीर्थों में जाएं, जितनी बार आप संतों के पास जाएं, जितनी बार आप सत्संग में जाएं, जितनी बार भगवान की आरती करें, जितनी बार भगवान को भोग लगाए, हर बार आपका अहंकार कम होते जाना चाहिए। किंतु हम और आप क्या देखते हैं? उल्टा ही हो रहा है। इस संसार में जो जितना करता है ना, उतना ही उसका अहंकार बढ़ता चला जाता है, बहुत बढ़ता चला जाता है। अहंकार की लिमिट तो है ही नहीं साहब। अहंकार क्या करता है? ईगो। ये अहंकार सबसे पहले हमारे जीवन में द्वेष लेकर आ जाता है। द्वेष, कैसा द्वेष? दो तरह से। एक तो इस तरह से कि लो ये हमारे साथ ही इतने बढ़ गए, हम तो यहीं रह गए, अब हम भी कुछ करें, इसको नीचा दिखाएं। अहंकार सबसे पहले दूसरे को नीचा दिखाना प्रारंभ करता है। बोलो प्रेम से, नीचा दिखाना। और ये जो भावना मन में आ जाती है, तब महाराज याद रखिए, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। अभिमान जब आ जाता है तो आपने जितनी पूजा की सब बेकार, जितना जप किया सब बेकार, तीर्थों में गए सब बेकार। अहंकार बड़ों का सम्मान करना भुला देता है, याद रखिएगा। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आने से सबसे पहले व्यक्ति कमजोरियां देखता है दूसरों में, दोष। ये अहंकार है व्यक्ति का, स्वयं का, कि मैं कितना बढ़िया हूं। देखो ये तो ऐसे, ये तो काम ही सही ढंग से नहीं करते, ये तो ऐसे, मतलब जो ऑफिस जाते उनकी बात नहीं कर रहा हूं, या जो व्यापार कर रहे उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अहंकार वहां तो आपको भाई, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके सेवक हैं, जिनको आपने नौकरी पर रखा है, उनको समझाने के लिए बताना ही पड़ेगा आपको कि आप गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। किंतु अहंकार जब आ जाता है तो अपने ही लोगों में, आपस में, एक दूसरे में कमजोरियां दिखना शुरू हो जाती है। बस इसमें ये कमी, उसमें ये कमी। वो व्यक्ति, वो जो उस समय जो एक अच्छाई दूसरे में है उसको देख नहीं पाता। अच्छाई देखने का एक आनंद होता है साहब, बोलो राधे राधे। अच्छाई देखने का आनंद होता है। अच्छाई देख करके आप दूसरे की बड़ाई करेंगे, अरे भाई आप में तो बहुत अच्छा गुण है, आपने तो इतना अच्छा काम कर दिया,
आप तो बहुत अच्छे हैं। देखिए एक आपको बहुत अच्छी बात बता दूं, याद रखिए जीवन में कमजोरियां सबके अंदर हैं। आपने अगर सामने वाले में कमजोरी दिखाई तो आपके अंदर उससे भी कई गुना ज्यादा कमजोरियां हैं, दोष हैं। तो उससे बढ़िया एक काम करिए, एक दूसरे की बड़ाई करिए, एप्रिशिएट करना शुरू करिए। जब हम सामने वाले को एप्रिशिएट करेंगे, उसके हर काम को, उसकी छोटी छोटी बातों पे उसकी बड़ाई करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा पता है? बोलो राधे राधे। ये होएगा कि वो व्यक्ति स्वयं के ऊपर कॉन्शियस हो जाएगा, मतलब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देगा। किस तरह? अब मेरे से कोई भूल ना हो जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मुझे इतना एप्रिशिएट कर रहा है, मेरी हर बात की, छोटी छोटी बात की बड़ाई कर रहा है। अब यदि मेरे से गलती होगी, भूल होगी, अपराध होगा, तो क्या होगा? वो जो बड़ाई सुनने की आदत पड़ गई है तो वो बड़ाई नहीं करेगा, तो क्या करेगा? बुराई करेगा। और बुराई सुनना किसी को पसंद है क्या? बुराई सुनना किसी को पसंद नहीं। तो इस काम को करने से सबसे बढ़िया क्या होएगा कि सामने वाला व्यक्ति अच्छे कर्म करने के लिए तैयार रहेगा, और उसके आपके, अच्छा ये तो उसको फायदा हुआ, बड़ाई करने से आपको क्या फायदा हुआ? क्योंकि घूम फिर कर बात अपने आप पर ही आती है कि हमें क्या मिलेगा। बोलो राधे राधे। हमें क्या मिलेगा? हमें यह मिलेगा कि जब हम देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे बोलने से सुधर रहा है, तो हम भी अपने जीवन में भूल करना छोड़ते चले जाएंगे, जो भी कमजोरियां हैं उनको छोड़ना शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारे आपके जीवन में इंप्रूवमेंट होगा, हमारे आपके जीवन में बहुत अच्छाइयां आने लग जाएंगी, सद्गुण आने लग जाएंगे, हमारा आपका जीवन आनंद में रहने लग जाएगा। अभी तो आनंद में नहीं है साहब, दोष दिखते हैं दूसरों में और दुखी हो जाते हैं, बात भी करते हैं तो दूसरों के दोष की बात करते, गुड़ की बात कोई करते सुना है आपने? जिसको आप लोगों की भाषा में गॉसिप कहते हैं, वो क्या है? क्या है वो? यही है, दूसरों के दोष को देखना, उसका चिंतन करना, उसका गान करना। तो क्या होगा? जिस चीज को सोचेंगे, जिस चीज को रखेंगे, जिस चीज का गान करेंगे, वही हमारे आपके जीवन में भी आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति कभी भी मदिरा पीता ना हो, किंतु उसका जो फ्रेंड सर्किल है, उसके जो मित्रगण है, वो अगर पीते हो मदिरा और वो उनका साथ करता हो, तो साहब कब तक बचेगा? वही देख रहा है, उन्हीं के साथ बैठा है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो वो दोष उसके जीवन में अपने आप डेवलप हो जाए, अपने आप आ जाए। इसके लिए दूसरों की अच्छाई देखकर बोलना शुरू करिए, तो आपके अंदर भी अच्छाई आएगी, जिससे जीवन हमारा आनंदमय बन पाएगा।